एंड ये जो ओव्यूल होता है बेसिकली ये किससे अटैच होता है ये अटैच होता है फ्यूनिकल से आपको ये दिख रहा होगा इसे कहते हैं हम फ्यूनिकल तो आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारा ओव्यूल होता है ये किससे अटैच होता है फ्यूनिकल से अटैच होता है एंड ये फ्यूनिकल किससे अटैच्ड होता है बेसिकली ये फ्यूनिकल अटैच होता है प्लेजेंटा से ये फ्यूनिकल ऐसे किससे अटैच्ड होता है प्लेजेंटा से सो बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन में हम देखने के वाले हैं कि किस तरीके से फीमेल फीमेल गैमिट्स बनते हैं उससे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर जानना इंपॉर्टेंट है तो दिस इज्मा स्टिग्मा यहाँ ये यह क्या होता है कि स्टिकी सरफेस होता है जहां पर पोलिनिग्रीन आएंगे इसके स्टिकी सरफेस पे लगेंगे एंड देन यहाँ पे क्या होगा आ, इसके थ्रू क्या होगा पॉलिनीग्रीन यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन करेंगे सो बेसिकली ये क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि किससे बना होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल से ओव्यूल किससे अटैच होता है फ्यूनिकल से एंड फ्यूनिकल किससे अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से अब देखिए आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कार्पेल राइट बट जस्ट वेट इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कार्पेल अगर मैं कहूँ ये एक फ्लावर है लाइक दिस और मैं कहूँ यहाँ पे बहुत सारे कार्पेल ये एक फ्लावर है यहाँ पे बहुत सारे कारपेल लगे हुए हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे एक फ्लावर है और फ्लावर में क्या लगे हैं बहुत सारे कार्पेट लगे दैट मीन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे बहुत सारे यहाँ पे क्या लगे फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे अगर एक कारपेल है तो उसे क्या कहेंगे मोनू कार्पेलरी अगर ये एक फ्लावर है और इस पर सिर्फ एक कारपेल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से तो हम इसको क्या कहेंगे मोनू कार्पेलरी इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोनो कार्पिलरी एंड ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहां पे क्या है मोर देन वन है सो so, यहाँ पे कैसे इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम इसे हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी अगर एक कार्पिल है तो मोनो कार्पिलरी और बहुत सारे कार्पिल है तो मल्टी कार्पिलर मल्टी कार्पिल अब ये जो आपका मल्टी कार्पिल है मल्टी कार् भी डिवाइड होता है मल्टी कार्पल बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड होता है एक आता है सिनकार्पस और एक आता है एपोकार्पस एक आता है सिनकार्पस और एक आता है एपोकार्पस अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है देखो मल्टी कार्पलेरी का मतलब तो ये हो गया कि बहुत सारे कार्पिल यहाँ पे लगे हुए होंगे बट ये अब सिन और एपोकार्पले में क्या डिफरेंस है देखो सिन कार्पलेरी में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा मतलब कि फीमेल आपको इस तरीके से दिखाई देगा होगा क्या यहाँ पे, जो आपके आ... कार्पिल है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे जॉइंट हो जाएंगे ये आपस में क्या हो गए हैं जॉइंट हो गए फ्यूज हो गए एक साथ तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम सिन कार्पस और एपोकार्पस में क्या होगा वो जॉइंट नहीं होंगे तो बेसिकली फ्लावर में सिन कार्पेलरी में तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे कि जो आपके कार्पिल है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और ज्वाइंट हो जाएंगे बट एपोकारपलरी में क्या होगा फ्लावर में अलग अलग आपके कार्पिल लगे हुए होंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं एपोकार्पेलरी सिन ऐसे याद रखिए सिन का मतलब साथ और एपो का मतलब अलग तो सिन कार्पिलेरी में क्या है वो साथ साथ रहते हैं एपो कार्पिली में क्या है वो अलग अलग रहते हैं सो so, ये तो हाँ एक चीज़ सिन कार्पिली का एग्जाम्पल देखें अगर आपने ड्रग्स जानते हैं ना कितना आ, अभी ड्रग्स कितना हमारी बॉडी को कितना हार्म पहुँचाता है और कितना खतरनाक होता है जानते ये सिन कार्पिलरी होता है या एपोकार्पिलेरी होता है देखो ड्रग है सिन का मतलब क्या था जुड़ा हुआ तो हमें याद ऐसे रखना है जो ड्रग है अकेले तो कुछ काम कर नहीं सकता तो यहाँ पे क्या है वो आपस में क्या होंगे जॉइंट्स होंगे तो जो ड्रग है इसका बॉटनिकल नेम है पापा वर्स सोमिनी फेरम पापा वर्स सोमिनी फेरम सिन कार्पिलरी का एक एग्ज़ाम्पल है जो ड्रग है इसका बॉटनिकल नेम है पापा वर्स सोमिनी फेरम जिसे जहाँ पे क्या है जो किसके अंडर आता है सिन कार्पिलरी में आता है वहीं मैं बात करूँ अगर एपोकार्पिलरी एपोकार्पिलरी का ना एग्ज़ाम्पल है मिचेलिया मिचेलिया है सिन का एपोकारपेलरी का एग्जाम्पल तो बेसिकली हम समझ गए कि वट इज़ सिन कार्पेलरी वट इज़ एपो कार्पेलरी अगर एक कार्पेल है तो उसको क्या कहेंगे अगर बहुत सारे कार्पेल हैं तो उसे क्या कहेंगे एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से लगे हुए होते हैं हाँ आपको इस तरीके से भी ऐवरी दिखाई दे सकती है लगी हुई ये भी क्या है ये भी फ्यूनिकल है और ये जो बीच में ये क्या है प्लेजेंटा है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो साथ ही साथ एक तो मैंने बताया इस तरीके से लगी है या फिर आपको इस तरीके से भी लगी हुई दिखाई दे सकती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं इसे कहते हैं एनाट्रोपस ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हम एनाट्रोपस तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी है जब ये इस तरीके से हो जा रही है ओवरी तो इस टाइप की कंडीशन को ये कह रहे हैं एनाट्रोपस कह रहे हैं अब डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है सो so, उससे पहले हम थोड़ा सा ओ, हमारा जो ओव्यूल है उसको अच्छे से देखते हैं तो देखिए होता क्या है अगर हम इसको बनाएँ ये कुछ इस तरीके से होता है ये क्या होती है इस पर लेयर होती हैं ओव्यूल की होती है कुछ लेयर होती है दो कवरिंग होती है आउटर इन कवरिंग को क्या कहते हैं सबसे पहली चीज़ तो ये आउटर कवरिंग होती है और इन कवरिंग का नाम क्या होता है इन न, कवरिंग का नाम होता है इंटेग्यूमेंट एक साथ चिपकी हुई है ठीक है अंदर की तरफ तो इसको हम क्या इन्होंने हम, हमने इसे क्या कह दिया इंटेग्यूमेंट अब ये तो होगी उसकी बेसिकली आउटर कवरिंग की बात आउटर कवरिंग के बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो तो ये वाला पोर्शन होता है बेसिकली ये पोर्शन जो होता है ये कैसा होता है

एक ओवरी है इसके अंदर क्या जाना है मेल गैमिट जाना है तो डोर तो अगर चारों तरफ से बंद होगा तो कैसे होगा एक कमरा है आपने घर बनाया लेकिन उसमें एक दरवाजा नहीं बनाया चारों तरफ से बंद कर दिया तो आप घर के अंदर जाओगे कैसे राइट right? तो उसी तरीके से यहाँ मेल गैमिट्स को भी अंदर जाना है तो उनके लिए क्या डोर है जिस रास्ते से मेल गैमिट अंदर जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं जो ओपन दिख रहा है आपको इसको कहते हैं माइक्रो एंड इसको क्या कहते हैं माइक्रोपायल एंड एंड वो उसी का जस्ट अपोजिट में आपको मिलेगा चैलाजल एंड जहाँ पे उसका माउथ खुला हुआ सा है आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है दरवाजा मतलब ये खुला हुआ सा है जहाँ से क्या जाएंगे मेल गैमेट्स अंदर जाएंगे तो ऐसे स्टक चुके कह रहे हैं हम माइक्रोपायल एंड।, एंड एंड उसी के जस्ट अपोजिट में आपको क्या मिलेगा चैलाजल एंड तो आप हमेशा याद रखिए माइक्रोपाइल एंड पे ही आपको क्या मिलेगा मेगा स्पोर सेल मतलब जिससे आपको आगे चल के क्या मिलेंगे फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तो इसे हम कहते हैं मदर सेल हाँ, एक चीज और याद रखिए जैसे मेल को हमने कहा था माइक्रोस्पोर वैसे फीमेल को कहते हैं हम मेगा माइक्रो का मतलब छोटा मेगा का मतलब बड़ा तो यहां पे देखिए ये क्या है मेगा स्पोर मदर सेल है सो so, ये है बेसिकली आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर अब इसे हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे आ, फीमेल गैमेट्स बनते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए उसके लिए हमें चाहिए मेगा स्पोर मदर सेल क्योंकि मदर है म, मम्मी ही तो बच्चे बनाती है ना तो वैसे ये मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या बनाएगी अपने फीमेल गैमेट्स बनाएंगी तो देखते हैं कि किस तरीके से फीमेल गैमेट्स बनते हैं तो ये समझिए सबसे पहले क्या है मेगा स्पोर मदर सेल है जैसा हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी देखा था वो कैसा था डिप्लॉइड था ये भी क्या होगा डिप्लॉइड होगा तो मेगा स्पोर मदर सेल सेल में सबसे पहले क्या होती है मियोसिस होती है यहाँ पे क्या होगी मियोसिस होगी मियोसिस होने से क्या होगा देखो थ्री मेगा स्पोर बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे थ्री मेगा स्पोर बनेंगे चलो इसको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ ये समझिए यहाँ पर समझिए ये क्या थी एक मदर सेल थी मम्मी थी अब हुआ क्या मम्मी ने क्या किया मियोसिस किया मम्मी ने क्या किया यहां पे म्योसिस की प्रोसेस हुई तो हुआ क्या यहां पे अंदर आपको कितने गैमेट्स मिल गए यहां पे फोर मेगा स्पोर बन गए ठीक है फोर मेगा स्पोर बनने के बाद देखो हुआ क्या इसमें होगा क्या एक तो भाई सही रहेगा बाकी तीन क्या हो जाएंगे यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बनाए उसने कितने मेगा स्कोर बनाए उसने चार मेगा स्कोर लेकिन आ, बचा कौन सा सिर्फ एक बचा बाकी तीन क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके बाद देखो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा अब होगी यहाँ पे माइटोसिस ठीक है अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बचा है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माइटोसिस करेंगे अब देखिए ये जो वन है माइटोसिस होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा टू में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये वन से किस में कन्वर्ट हो गया टू में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट यहाँ पे माइटोसिस हुई इसके बाद दोबारा माइटोसिस होगी मियोसिस सिर्फ एक बार हो रही है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रही है माइटोसिस हो रही है माइटोसिस होने में क्या होगा देखो अब माइटोसिस हुई आप यहाँ पे क्या बना एक से यहाँ पे क्या बना था दो बना था पहली बार में अब यहाँ से दो में तो से कितने बन जाएंगे चार बन जाएंगे चार मेगा स्पोर बन गए ठीक सॉरी चार मेगा स्पोर नहीं बनेंगे चार क्या बनेंगे न्यूक्लियस बनेंगे यहाँ पे क्या बना फोर मेगा स्पोर बने जिसमें से तीन क्या हो गए डिस्ट्रॉय हो गए फिर यहाँ पे क्या हुआ माइटोसिस uh, जहाँ पे क्या हुआ आपका न्यूक्लियस बना दो न्यूक्लियस बने यहाँ पे क्या हुआ दो से चार न्यूक्लियस बन गए देन यहाँ पे दोबारा से माइटोसिस होती है एंड अब यहाँ पे चार से कितने बन जाएंगे आठ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो कितने बार माइटोसिस है यहाँ पे थ्री टाइम्स माइटोसिस और मियोसिस सिर्फ एक बार हुई है इसके बाद देखो क्या होता है इसके बाद देखो आपके जो एट न्यूक्लियस हैं इनको क्या ये क्या हो जाएंगे बाद में अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे और इसी तरीके से हमारा क्या बन जाएगा मे फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे सो so बेसिकली इस तरीके से आपके फीमेल गैमेट्स बनते हैं एंड इसके आगे की भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी बट इतना आप समझ लीजिए कि इस तरीके से फ़ीमेल गैमेट्स बनते हैं पहले एट बने फिर ये एट क्या हो जाएंगे अपनी अपनी पोजिशन ले लेंगे अब देखिए हमने देखा कि माइटोसिस के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था यहाँ पे क्या बने थे मेगा स्पोर बना था उस मेगा स्पोर ने क्या किया फिर उसने उसके अपने न्यूक्लियस डिवाइड करे पहले टू बने फिर टू से फोर बने एंड देन एट बने सो so, ऐसी प्रोसेस जिसमें माइटोसिस के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड्स हो रहे हैं ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोबारा से बताती हूँ ये क्या है मदर सेल है मेगा स्पोर मदर सेल है यहाँ पे सबसे पहले होगा मियोसिस तो मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे फोर मेगा स्पोर बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे फोर मेगा स्पोर बनेंगे जिसमें से थ्री थ्री डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सिर्फ एक बचेगा एंड ये एक में क्या होगा माइटोसिस होगी ये जो एक बचा इसमें क्या हुई है? हुई है माइटोसिस जिससे कितने न्यूक्लियस बन गए यहां पे टू न्यूक्लियस बन गए एंड देन फोर एंड देन एट एंड देन इसके बाद क्या होगा जो एट न्यूक्लियस बने ये अपनी अपनी पोजिशन ले लेंगे इस तरीके से फीमेल गैमिट्स बनना आ, बनते हैं अब देखो हमने देखा कि माइटोसिस के थ्रू क्या बन रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं सो so, जब माइटोसिस के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं ये किस्म आया ये आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड में अब इसके अंदर बताती होता क्या है इसके टू टाइप्स होते हैं एक होता है एंड syn, एक होता कोइनोसाइट अब देखिए होता क्या कोइनोसाइट में क्या है माइटोसिस हुई माइटोसिस के थ्रू क्या हुआ न्यूक्लियस डिवाइड हुई ये एक सेल है यहाँ पे क्या हुई? Mitosis हुई. Mitosis, mitosis, mitosis क्या हुआ माइटोसिस माइटोसिस के थ्रू हुआ न्यूक्लियस डिवाइड हो गए तो माइटोसिस के थ्रू जब न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं कोइनोसाइट कंडीशन ये तो अभी आप समझ गए हो किस तरीके से डिवाइड हुए अब दूसरा आता है uh, इसमें क्या होता है देखो ये एक सेल है एक सेल ये एक सेल ये हुआ क्या यहां पर फ्यूज होकर फिर यहाँ पे न्यूक्लियस इकट्ठा हो रहा है तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है एक है एंड कोइनोसाइट कोइनोसाइट में क्या होगा सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और सिंसाइटम में क्या होगा सेल आपस में फ्यूज होकर वहां पे न्यूक्लियस आएंगे सो बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस है जिसे आपको समझना है तो आपने देख लिया कि क्या हमारा क्या बना था कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना था इसको ले लेते हैं ये ले लीजिए अब देखो इसमें हुआ क्या बेसिकली इसमें हुआ क्या अब आपको क्या याद रखना है आपको पता कहते हैं माइक्रो इसको एंड जहां से माउथ ओपन है उसको माइक्रो कह रहे हैं और जहां से उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या मिलेगा चेलाजल एंड मिलेगा यहां से गे, मेल, की तरफ जाएंगे सो so, बेसिकली आपको याद क्या रखना है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहां पे आपको सेंटर में एक मिलेगी एक्स सेल सेंटर में का मतलब यहां पे इसके बगल में भी इस तरीके से दो सेल्स होंगी अभी ये क्या है ये सेंटर में जो है ये क्या है इसे हम कहते हैं एक्स सेल ये है आपकी एक्स सेल होता क्या है बेसिकली एक्सल आप हमेशा याद रखिए एक्स सेल हमेशा माइक्रोपाइल एंड के पास में होगी एक्स सेल आपको हमेशा कहा मिलेगी माइक्रोपाइल एंड के पास क्यों तभी तो जब मेल गैमेट आएगा तो वो तुरंत एक्सल uh, के साथ फ्यूज होके क्या बना देगा जाइगोड बना देगा सो so, सबसे पहले तो ये इस तरीके से अरेन्ज होता है अब इसके बगल में आप देख रहे हो इस तरीके से कुछ प्यारी प्यारी प्यारिस इसकी फ्रेंड्स है एक्ससेल के बगल में उसकी प्यारी प्यारी सी टू फ्रेंड्स हैं इनका क्या नाम है इन्हें कहते हैं हम सिनर्जिट्स इन्हें क्या कहते हैं Synergids. Synergids पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पे देख रहे हैं आप इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस अब बेसिकली इस फिलीफॉर्म एप्रेटस का क्या काम है देखो मेल गैमिट्स को अंदर लाने के लिए ये फिलीफॉम ये मतलब सीनरजिट्स के जो ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करेगा एक केमिकल रिलीज करेगा जिससे क्या होगा मेल गैमिट्स कहाँ की तरफ अंदर की तरफ आने लगेगा इसी यही काम होता है इसका सीनरजिट्स का ये क्या करेगी इसके जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये केमिकल रिलीज करेगा मेल uh, गैमेट को अंदर अट्रैक्ट करने के लिए इसके बाद देखिए ये टोटल कितना कितने न्यूक्लियस थे टोटल तो एट थे तो थ्री तो यहाँ आ चुके हैं बीच में क्या होता है बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है जस्ट बीच में यहां पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ये क्या है बेसिकली ये दो न्यूक्लियस इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई इनको क्या कहते है? ये हैं ये है पोलर न्यूक्लियाई साथ ही साथ कुछ और ये टोटल एट था तो एट न्यूक्लियस का बना देते हैं थ्री होते हैं यहाँ टू आपको सेंटर में न्यूक्लियस मिलेंगे जिनका नाम है पोलर न्यूक्लियाई इनको क्या कहेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई उसके बाद ऊपर वाला आपको बता दिया एक एक्सेल होगी बाकी उसके बगल में उसकी प्यारी सी फ्रेंड्स होगी जिनका नाम है सिनेर ये कितना स्ट्रक्चर का है एट सेल एट न्यूक्लियस का है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया ये जो थ्री है ये क्या है कहते हैं हम एंटीपोडल बेसिकली इनका कुछ काम नहीं है ये एट दी एंड जब ये मेच्योर होने लगेगा ये खत्म हो जाती को काम किसका है इसका है एंड ये सीनरजिट्स का है का, का काम क्या है इसमें एक फिलीफॉर्म अप्रेटिस है जो कि मेल गैमिट्स को अपनी अंदर अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और मेल गैमिट्स क्या होगा अंदर की तरफ आएगा जिससे क्या होगा जब मेल गैमिट्स यहाँ आएगा तो वो सबसे पहले तो सीनरजिट्स के पास जाएगा और सीनरजिट्स क्या हो जाएगी यहाँ पे आ, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या कह सकते हैं उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे दो मेल गेमिट्स आएंगे एक तो यहाँ पे आएगा जो कि आगे चल के क्या बनाएगा जाइगोड बनाएगा और एक और मेल गेमिट आएगा जो आएगा यहाँ पोलर न्यूक्लियाई पर आएगा जो कि क्या बनाएगा एंडोस्पम बनाएगा एंडोस्पम क्या करेगा आगे चल के एंडोस्पम आगे चल के जाइगोड को फूड प्रोवाइड करेगा इसीलिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है अब देखिए आपको याद क्या रखना है आपको याद ये रखना है अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लूँ तो मैंने कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाया थ्री तो कुछ ऊपर इस तरीके से थे बीच में टू ये एंड थ्री इस तरीके से राइट right? अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट न्यूक्लियस है एंड सेल देखो वन टू थ्री फोर जस्ट वेट सेल को हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितनी आ, कितनी हमारी आ, सेल कितनी है सेवन तो हमेशा याद रखिए फीमेल गैमेट्स कैसी होती है एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल आपको कैसी मिलेगी ये एट न्यूक्लिएटेड एंड सेवन सेल तो इस तरीके से हमारा फीमेल गैमेट्स ख़त्म होता है आज मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रही हूँ कल हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंडर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइसेज एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सो so, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो सो so, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग